Friends, welcome on your PDA, and your result has already come of gate 2024. And I'm very sure now you people are planning for admissions in different institutes. And the first one to come is IC Bangalore 23rd March. I am sure they are going to extend it because your uh, detail cards and all scorecard will come on 23rd only. So you may get you know couple of days more days, but still you prepare for 23rd March and start filling start filling your forms. नो इन वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आप बहुत से डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं मेरा ये वीडियो मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की कट ऑफ को लेके है निटी बॉम्बे डॉम्स मड्रास आई सी बेंगलोर आई बॉम्बे मैनेजमेंट कोर्स ये कम्पिटिटिव कोर्स होते थे जो गेट के थ्रू आपको मिलते थे इस बार निटी बॉम्बे नहीं ले रहा है दे आर गोइंग टू टेक इट थ्रू कैट ओनली सो गेट के थ्रू जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट में हैं दे आर वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटीज इज आई सी बंगलौर एंड द नेक्स्ट विल बी आई टी मद्रास जो एम एस कोर्स होता है जिसमें और वो आपका रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगेंगे आई आई सी बंगलौर में जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कोर्स है दैट इज देर विल बी इंटरव्यू देर विल भी ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू नीट टू प्रिपेरिटी रियली वेल फ्रेंड्स वेन एवर स्टूडेंट्स स्टार्ट किसी इंस्टीट्यूट में वो सबसे पहले पिछले सालों का कट ऑफ देखते हैं एंड आई एस सी बैंगलोर एंड आई टी मद्रास बहुत डिटेल में पिछले सालों के कट ऑफ देता है दर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन कट ऑफ आई जस्ट टेल यू शो यू कितना वेरिएशन होता है कट uh, ऑफ्स के अंदर और वो हर साल के हिसाब से होता है और इस साल भी बहुत वेरिएशन होने वाला है हर कोर्स के अंदर अब इसमें इशू ये है कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको किस कोर्स में कॉल आने के चांस हैं प्रोबेबिलिटी हाई है, है या नहीं एंड इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग देन यू नो देर इज़ अ फीस लाइक आई आई सी बंगलौर का मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का फीस एट हंड्रेड रुपीज़ है तो आपको एट हंड्रेड रुपीज़ यू आर टू स्पेंड एंड देन यू कैन फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म और ऐसे बहुत से फॉर्म्स आपको भरने हैं uh, मान के चलो आप पच्चीस तीस तीस चालीस जगह पर फॉर्म भरोगे तो आप ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ प्लस आपका लगेगा और अगर कॉल आता है तो मैं वहाँ जाना भी है सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यू नो टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी कंज्यूमिंग दोनों आस्पेक्ट आपके हैं सो so, कट ऑफ्स आर टू बी वेरी कॉशियसली सीन ब्लाइंडली कट ऑफ को फॉलो आप नहीं कर सकते पिछले साल का देख के फॉलो नहीं कर सकते मेरा एडवाइस है आप पिछले साल का ना देख के उसके भी दो तीन साल पहले तक आपके कट ऑफ को आपको देखने पड़ेंगे प्लस इस साल की क्या नई सिचुएशन हो सकती है जैसे मैंने आपको डायनेमिक्स बताए थे एक तो नेटी बॉम्बे इस बार नहीं है वो एक डायनेमिक्स है मैनेजमेंट कोर्स के लिए स्टूडेंट्स हु यूज टू एस्पायर फॉर नेटी बॉम्बे नाउ दे मे एस्पायर फॉर आई आई टी आई सी बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट आई 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 टी मड्रास आई बॉम्बे आई कानपुर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट तो एक फैक्टर वो है दूसरा प्लेसमेंट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली दे वांट गुड प्लेसेस इन दीज इंस्टीट्यूट्स तो कुछ फैक्टर uh, होते हैं हर साल तीसरा पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है गेट का वो भी एक फैक्टर है तो so, इन सारे फैक्टर्स के बेस पे देन यू हैव टू सी व्हाट इज़ द कट ऑफ अब मैं आपको कट uh, ऑफ जो आई आई की साइड पर ही पढ़ा है Uh, मैं मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की कट ऑफ की रिपोर्ट्स आपको इन सब चार सालों इन इन सालों की टू, टू जीरो वन फाइव से लेकर टू जीरो टू थ्री की कट ऑफ दिखाता हूँ एंड वेरिएशन दिखाता हूँ कि क्या इसमें वेरिएशन था कट ऑफ फॉर मास्टर ऑफ मैनेजमेंट लास्ट ईयर मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए सारी ब्रांचेस का जो कट ऑफ था एंड आई टेल यू फ्रेंड्स इट वॉज टू बी फिफ्थ अप्रैल मतलब आपको जो अप्लाई करना था फाइव फिफ्थ अप्रैल तक आपको इसमें अभी अप्लाई ट्वेंटी थर्ड मार्च को आया था एंड इसमें डेट देखो फिफ्थ अप्रैल का जो दिया हुआ है आपको ये सारे के सारे डेट्स देने थे अगर आपको कॉल नहीं आया है और तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं दैट मीन्स अप्रैल में आपका इंटरव्यूज जी डी वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है इन्होंने कट ऑफ दे दिया और ये बोला कि अगर आपका इससे ऊपर कट ऑफ है और आपको कॉल नहीं आया है देन यू कैन यू नो अप्रोच दिस पीपल अगर आपको नहीं कुछ मिला है तो दैट मींस फिफ्थ अप्रैल तक उन्होंने भेज दिया था ये लास्ट ईयर का है तो so इससे आइडिया लग जाएगा और आगे मैं बताऊंगा 2022 में टेंथ अप्रैल था सो स्टिल यू एज्यूम दैट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में यू स्टार्ट गेटिंग द कॉल्स फ्रॉम आई फॉर वेरियस इंटरव्यूज एंड ऑल सो ये वेरी लेस टाइम लेफ्ट फॉर दैट ये था लास्ट ईयर का मैनेजमेंट का कैट के थ्रू भी होता है जीमेट के थ्रू भी होता है गेट का सब पेपर्स का अलग branches, अलग ब्रांचेज अलग अलग कैटेगरीज में दिस वॉज द कट ऑफ सो यू कैन हैव सम आइडिया ट मींस सेवन फिफ्टी और जनरल कैटेगरी का निटी बॉम्बे में पिछली बार सेवन फिफ्टी गया था गर्ल्स के लिए सेवन हंड्रेड गया था बट दिस वॉज सेवन फिफ्टी लास्ट ईयर ऑल द ब्रांचेज अगर एक साल पीछे चले जाए ट्वेंटी ट्वेंटी टू में उसमें यह जो डेट थी दैट वॉज टेंथ अप्रैल सो दैट मींस द इज अ स्मॉल फ्लक्चुएशन बट पांच से दस अप्रैल के बीच में आपको कॉल आ जाता है एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू यू कैन गो फॉर योर इंटरव्यू एंड जी डीज अब ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो गेट का सारे पेपर्स का वो ये था सेम कैटेगरी जो भी ऊपर कैटेगरी दिया है जैसे एस टी फोर थर्टी थ्री एट जीरो थ्री उससे पिछले साल तुम देख रहे हो सडनली बढ़ गया अब वाई दैट फ्लक्चुएशन ऑफ फिफ्टी फिफ्टी गेट स्कोर का फ्लक्चुएशन था मतलब पिछली बार फिफ्टी गेट स्कोर कम हो गया अगर मैं और चलूँ दो में तो सारे पेपर्स का एट 2021

देन 745 से 950 तक वेरिएशन था ब्रांच वाइज अभी ब्रांच वाइज नहीं था पिछले तीन चार साल से ब्रांच वाइज नहीं था ओनली दिस ईयर इट वॉज ब्रांच वाइज पर स्टिल इट वॉज शूटिंग अलॉट बहुत ज्यादा हुआ था फिर अगर 19 का देखा जाए तो अगेन 750। इट वॉज हिटिंग समवेयर अराउंड 750। अगर ट्वेंटी का हम कट ऑफ देखें दट इज That was for 19 and that I think this is 19 and this was 18. Again it was hitting 730. 2017 720. 2016 again I think 2016 maybe sare branches ke liye 650. 2015 again 660. 1516 kamtha फिर 950 तक गया 750, 730, 800, थर्टी एट हंड्रेड फ्लक्चुएशन ये सारों का यह था दिस वॉज द वेरिएशन 15 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ सिक्सटीन में 17 में 18 में 23 में नाउ गैस 2024. ट्वेंटी फोर वट विल द कट ऑफ ऑफ मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट इन 2024? ट्वेंटी फोर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर तुम इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में डालोगे सारे वेरिएशन को तो तुम्हें सॉफ्टवेयर में कुछ नजर नहीं आएगा बिकॉज ट्रेंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ट्रेंड ये कम है कम है बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया सडनली नीचे आ गया नो वे विथ साइड आई मीन विल इट बी सेवन हंड्रेड बी सेवन फिफ्टी ओनली विल इट बी एट हंड्रेड वट विल बी द कट ऑफ अपना कमेंट सेक्शन में डाल के बताना क्या गैस मार रहे हो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में कितना आएगा मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट का कट ऑफ अब फ्रेंड्स ये आप जो जो भी आपको लगता है आएगा कट ऑफ उसको शेयर करना लेट सी ऑन व्हाट बेसिस एंड हाउ यू थिंक कट ऑफ कितना आएगा मास्टर ऑफ मैनेजमेंट 2024 में देर इज अज वेरिएशन इन द स्कोर्स एवरी ईयर एंड दैट इज वन कोर्स मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ यू सी ऑल अदर कोर्सेस इन आई एंड अदर आई इज अज वेरिएशन ऑफ इवन टू गेट स्कोर थ्री गेट स्कोर इन आई टी बॉम्बे कांड ऑफ डिपार्टमेंट्स देर आर समिपार्टमेंट इज अज वेरिएशन ऑफ टू टू थ्री हंड्रेड गेट्स को सो गेट्स कोर को ब्लाइंडली फॉलो मत करना एटलीस्ट एक साल का फॉलोम करना जैसे इस साल का देख के आप कैसे गेस्ट करेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं क्योंकि इसमें इशू ये है दैट फी स्ट्रक्चर इज देअर आई मीन अगर आप फीस स्ट्रक्चर इसका देखोगे जो मास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर तो ये आपके पास आठ सौ रुपये का है जनरल कैटेगरी के लिए एट हंड्रेड रुपीज और अलग अलग आई में अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए कई बार अलग से फॉर्म तुम्हें डालना पड़ता है एंड देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट सो मैनी कोर्सेज एंड ऑब्वियसली आपका स्कोर चाहे हाई है चाहे लो है आप उसको ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करेंगे यू वॉन्ट बेस्ट फॉर यू आप अपने लिए बेस्ट चाहेंगे और आप वहां पे अप्लाई करेंगे जहां आपका प्रोबेबिलिटी हो और जहां पे कॉल आने के चांस हैं सपोज आपका स्कोर हमें लगता है कॉल नहीं आएगा और आपने अप्लाई कर दी तो एट हंड्रेड रुपीज़ आपके यहीं पे चले जाते हैं या ऐसे अगर सपोज आपने पांच डिपार्टमेंट्स में भर दिया जहां पे आपको कॉल नहीं आना चाहिए तो अब मान के चलो आपका तीन चार हजार रुपए का वो चला गया उसी उसी इसके अंदर एंड ऑल्सो वी वॉन्ट दैट अगर गेट स्कोर कम है स्पेशली तो हमें ज्यादा डिपार्टमेंट्स में डालना पड़ता है तभी कॉल आने के चांस होते हैं और ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट्स में डालना तो हर डिपार्टमेंट में अप्लाई करने का कॉस्ट है वहां पे एंड देन एक और उसका एस्पेक्ट ये है कि चलो कॉल आ भी गया तो उसके बाद आगे इंटरव्यू अगर है एंड वहां पे जाने के लिए खर्च ज़्यादा आता है जैसे ट्रेन में तुम जाते हो वहां रहते हो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू फाइव सिक्स थाउजेंड रुपीज़ थ्री फोर थाउजेंड रुपीज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डेज यू स्टे देयर यू ईट फूड एंड ऑल तो ये सारे का सारा चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स इसको कॉशियसली तुम्हें लेना है सो योर पीडिया जो मेंटर्स हैं उनका एडवाइस जरूर ले लेना दैट इज़ वट आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई टेल यू ऑनेस्टली फ्रेंड्स मेंटर्स ऑफ यूर पीडिया आर गोइंग टू सेव मनी फॉर यू वट एवर यू स्पेंड ऑन द काउंसिलिंग ऑर समथिंग दे आर गोइंग टू सेव लॉड ऑफ मनी फॉर यू एंड हेल्प यू टू ऑप्टीमाइज दिस एंटायर प्रोसेस तो प्रॉपर तरीके से भरना बहुत ही कम टाइम है आई सी बेंगलौर के लिए आपके पास जिनका जिनको मास्टर मैनेजमेंट वगैरह के कोर्सेज में जाना है या बाकी कोर्सेज में जाना है आई सी बंगलौर के फॉर्म्स निकले हुए हैं ट्वेंटी थर्ड लास्ट डेट है और आपको कॉशियसली वहाँ पर भरना है सारे के सारा और नॉट ओनली दैट जैसे तुम भरोगे फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे आईसी बेंगलोर में अगर तुम्हें कॉल आ भी गई इंटरव्यू की तैयारी अच्छी नहीं तो तुम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे सो प्लीज़ हरियर फॉर आई बेंगलोर सो दैट यू कैन कन्वर्ट योर कॉल इन सिलेक्शन ऑल द वेरी बेस्ट सी द कट ऑफ कॉशियसली थैंक यू